वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 जो कि है 16 सितंबर की वर्कशीट, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं साइंस का टॉपिक मोशन, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस आज के वर्कशीट में हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है, ये लाइन जो बनती है उसके अंदर, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ के अंदर, उसे कहते हैं स्पीड। क्योंकि आपको पता होगा स्पीड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आइए चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं कि वर्कशीट में कहना कि क्या कोशिश करी जा रही है। तो पहले है, वी नो दैट लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट मोशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो दो तरह के मोशन हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कॉन्स्टेंट, जो चलता रहता है बराबर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कम ज्यादा होना। When an object covers equal distance in equal interval of time, it is known as uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई जब कोई बंदा इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, जैसे कि आपको ये ग्राफ में दिखाई दे रहा है। उसने पहले यहाँ पे 10 चला, फिर ये 20, 30, 40, तो इक्वल इक्वल टाइम में वो चल रहा है। तो इस टाइप के जो ग्राफ को, जो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन। सो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, ये हम पहले ही डिस्कस कर लिया है। वेयर एज इट इज कर्व्ड लीनियर फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका ग्राफ अभी नीचे दे रखा है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ साथ ही साथ कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपने देखा है यहाँ पर ग्राफ तो जो है वो सीधी लाइनों से बना होता है, लेकिन कभी बढ़ रहा है, कभी आपका ज्यादा तेज चल रहा है, कभी कम तेज चल रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जिसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेयर एज यहाँ पे स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। स्लोप का मतलब हो गया ये ढलान। अब ढलान जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा स्पीड होती है। सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाली जो लाइन है वो इससे ज्यादा मतलब सीधी है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर एक लाइन ऐसे जा रही हो, तो ये वाली जो लाइन है मैंने जो भी नीचे बनाई है उसकी स्पीड कम है, तो मतलब ये जो कार नंबर सी है, आप इसको सी मान लें, वो क्या हो जाएगी, वो धीरे चल रही है क्योंकि सेम टाइम ले रही है लेकिन कम दूरी तय कर रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है, स्लोप से पता चल जाता है उसकी स्पीड क्या है, तेज है या धीरे है। एक क्वेश्चन हमारा लास्ट वर्कशीट में भी था इसी से रिलेटेड। हायर द स्पीड हायर द स्लोप। वी कैन इजीली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम इसकी मदद से स्पीड भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन भी है नीचे, देखते हैं कैसे। सो मार्क अ पॉइंट ए एंड बी ऑन द स्ट्रेट लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई भी ए और बी पॉइंट आप कहीं पर भी आप ले लें, उनके बीच का जो है टाइम देख लें और डिस्टेंस देख लें, आपको पता चल जाएगा उसकी स्पीड क्या है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम ए एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिटेल में दे रखा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर जैसे आपने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, मतलब डिस्टेंस S2 - S1 अपॉन जो ये इन दोनों के बीच का जो टाइम है T2 - T1, वो निकाल लें और उनको डिवाइड कर दें, तो आपको स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, अगर वो मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, अगर वो किलोमीटर पर आवर में है। आगे देख लेते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और भी दे रखी है। अब इस ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ए से बी तक आपको पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, फिर बी से सी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, तो इससे पता चलता है कि गाड़ी जो है वो स्टॉप हो रखी है। तो इसे हम साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, आराम कर रहा है बेसिकली। और सी से डी तक जो है वो हाई यूनिफॉर्म स्पीड है। हाई यूनिफॉर्म स्पीड पता चल रही है कि देखो कम समय में ज्यादा टाइम इसमें सॉरी कम समय में ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर करा है। इसी के बेसिस पे तीन ग्राफ हैं। आप पता है आपको ये ग्राफ कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड का है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। अगर आपको याद हो, मैंने एक वर्कशीट में एक ग्राफ आपसे पूछा था कि क्या वो ग्राफ इस तरीके का हो सकता है, ऐसा सीधा लाइन, तो कुछ बच्चों ने हाँ बोला ना बोला,
तो मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता जब उसका टाइम रुका हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय रुक जाए। तो उस केस में ये वाला जो ग्राफ है, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जो बनाई है, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो मैंने बोला है वही उस क्वेश्चन में लिखना होगा, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस, यहाँ पे दे रखा है स्टडी द ग्राफ एंड कैलकुलेट द स्पीड। आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप पहला ही देख ले। तो पहले ही घंटे में, क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन है तो बराबर चलेगा, तो पहले ही घंटे में उसने 10 का डिस्टेंस चला है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं है कि वो किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो हम सीधा 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे मुझे पता चला मीटर पर सेकेंड? यहाँ देखिए डिस्टेंस दे रखा है मीटर में और टाइम दे रखा है सेकेंड में, तो इसकी जो स्पीड हो गई वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ने बोला है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो यहाँ पे है, आपको यहाँ पे सामने आपको टेबल दिख गया होगा। टेबल में हमने आपको दो बता दिए हैं। यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है और स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती। आइए चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला कंडीशन दिया है, ए दिया है उन्होंने कि एक सेकेंड, पहला उन्होंने दे दिया कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो रेस्ट वाला आप ये वाला बना दें और ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप ये वाला बना दीजिए इसके लिए। तो ये ग्राफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला उन्हें, व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अभी हमने पढ़ा था स्लोप क्या है, स्पीड। तो इसके अंदर हम सिंपल आंसर लिख देंगे स्पीड। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो बस इतना आंसर आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।